शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव कैलाशवासी है, शिव कण कण में है, शिव जीवन है, शिव ही मोक्ष है। धरती पर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ शिव व्याप्त नहीं हो, कहीं पाताल तो कहीं शिखर पर विराजते हैं शिव। शिव ऐसी ही एक धरोहर के दर्शन करने चलेंगे आज आप हमारे साथ। ये चौरागढ़ का मंदिर है जो बहुत ही ऊंचाई पर विराजमान है। चौरागढ़ ये गढ़ है शिव की महिमा का, ये गढ़ है भक्ति और शक्ति का। पहाड़ी रास्ते, ये जंगल और ये वादियाँ, इनमें बसे हैं शिव। कैलाश की शक्ल में ये है चौरागढ़ की पहाड़ी। महादेव का चौरा नाम उनके चौरा बाबा भक्त के नाम के कारण पड़ा और शिव बन गए चौरेश्वर महादेव। समुद्र तल से 4200 फीट की ऊंचाई पर चौरागढ़ बाबा का मंदिर है। तो प्रिय भक्तों, ये भगवान शिव का दरबार है चौरागढ़ महादेव मंदिर, जो मध्य प्रदेश मन्नत मांगते हैं तो कुछ लोग मन्नत पूरी होने के उपलक्ष्य में भगवान को त्रिशूल भेंट करने जाते हैं चौरागढ़ महादेव के अंदर। यहाँ की कई कहानियाँ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने यहाँ पे आश्रय लिया था। वही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने एक आदिवासी महिला मैला गोंडीन के साथ विवाह किया था, जो स्वयं माँ पार्वती का रूप थी। इसीलिए यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों में महाराष्ट्र के लोग अधिकांश अधिक होते हैं। तो साथियों, ये भोलेनाथ का गढ़ है, शिव का गढ़ है। मध्य प्रदेश में ये एक अलौकिक स्थान है, इसे देवभूमि कहते हैं। तो आप सभी लोग इस देवभूमि के दर्शन करिए और भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करिए। जय शिव शंकर। जगदम्बा गोटे दार रे, ओ अम्बा मैया हो। बन कर लहरानी सूर्य सुता तापी महारानी, जल प्रवाह बन कर लहरानी सूर्य सुता तापी महारानी, बिगले अति भारी भवानी, आग शरण तुम्हारी माँ।